सभी लेट जाएं, एक एक बार आसन रिपीट कराएंगे, पीठ के बल लेट जाएं, सिर मेरी तरफ रहें, सभी का सिर मेरी तरफ रहें। उत्तान पादासन, श्वास भरते हुए राइट पैर को 30 डिग्री उठाएं, लेटे लेटे पैर के अंगूठे का नाखून दिखेगा, वहां पे 30 डिग्री बनता है। पंजे को मेरी तरफ नहीं, सामने की तरफ सीधा कर दीजिए, 1 2 3 4 5। अब 60 डिग्री लाएं, 60, लेटे लेटे घुटना दिखेगा, 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री, 1 2 3 4 5। अब नीचे लाएं, यही क्रिया लेफ्ट पैर से दोहराएं, 30 डिग्री उठाएं, श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5, 60 डिग्री 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ते हुए 30, 1 2 3 4 5। अब जमीन पर, अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, जिन्हें बैक पेन है वो 60 डिग्री पर ना आए, बाकी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए 30 डिग्री पर आए, लेटे लेटे पैर के अंगूठों के नाखून दिखेंगे, पंजे सीधे कर दीजिए, 5 के काउंट में रुकना है, 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे 60 60, 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे 30 डिग्री आए और धीरे धीरे जमीन पर रिलैक्स। पैरों में 1 फीट का फासला, राइट पैर राइट साइड लेटा हुआ, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड लेटा हुआ, दोनों हाथ शरीर के समानांतर 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां छत की ओर, हाथों को उल्टा कर दीजिए, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद और शांत, टोज टू हेड, लूज योर बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं भी अकड़न न रहे, तनाव न रहे, रिलैक्स रिलैक्स। तैयार, तैयार बोलते ही दोनों पैरों को मिला दीजिए, दोनों हाथ शरीर के समानांतर। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे, राइट पैर को जमीन से उठाएं 30 डिग्री, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए घुटना फोल्ड करें, राइट पैर का घुटना फोल्ड, हाथों से बांधें, घुटना श्वास भरते हुए सीने से लगाएं, राइट पैर का घुटना फोल्ड करके हाथों से बांधें, सीना घुटने से लगाएं। जिन्हें बैक पेन है वो गर्दन सिर को न उठाएं, हाँ अब सिर को उठाएं, ना घुटने के ऊपर, बिल्कुल जबरदस्ती ना करें, जितना हो उतना करिए। श्वास भरते हुए सिर नीचे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को खोलें, पैर को फैला दें, यही क्रिया लेफ्ट पैर से दोहराएंगे। लेफ्ट घुटना 30 डिग्री ले जाएं, फोल्ड करें, अब श्वास भरते हुए घुटना सीने से लगाएं, दबाएं दबाएं, अब श्वास छोड़ते हुए नाक दोनों घुटने के ऊपर, थोड़ी देर स्थिर रहने का प्रयास। श्वास भरते हुए सिर नीचे, हाथ को खोलें, पैर को फैला दें। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को 30 डिग्री लाएं, घुटनों से फोल्ड करें, दोनों हाथों से बांधें, लोक लगाकर घुटना सीने से लगाएं, दबाएं, पहले सिर न उठाएं, पहले सिर न उठाएं, पहले पैरों को दबाएं, सीने से लगाने की कोशिश, दबाएं। अब जिन्हें बैक पेन न हो वो सिर उठाएं, नाक दोनों घुटनों के बीच। आपका यदि बराबर हो रहा है, लोग बराबर है, तो आप रोलिंग कर सकते हैं ऊपर से नीचे, तो अच्छी मसाज हो जाती है, आराम से रोलिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे स्टार्ट करिए, स्पाइन की अच्छी मालिश हो जाएगी। स्टॉप, अब दाएं बाएं रोलिंग, दाएं बाएं जाएं, दाएं बाएं ऐसे जाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, संपन्न। अब सिर नीचे लगाएं, हाथों को खोल दें, पैरों को सामने फैला दीजिए,
रिलैक्स रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, रिलैक्स। तैयार तैयार, दोनों पैर मिले हुए। अभी हम करेंगे अर्ध हल्लासन, जिन्हें बैक पेन है वो न करें। दोनों पैरों को मिलाइए, अर्ध हल्लासन करेंगे, हल्की आकृति लेकिन अर्ध हल्लासन, पूर्ण हल्लासन नहीं। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए पहले 30 डिग्री आएं, फिर 60 आएं और फिर 90 पर आ जाएं, एकदम सीधा स्ट्रेट, पाद तल छत की ओर हो जाएंगे। हाँ, कोशिश करिए, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे नीचे आएं, एकदम स्लोली, पैरों को पटके नहीं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। आइए नीचे, अब पेट के बल लेट जाएं सभी, पेट के बल उल्टे इसमें। अब राइट पैर से राइट रिदम को ताड़ित, लेफ्ट से लेफ्ट, 3 बार, 1 2 3 4 5 6। अब क्रॉस, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों पैरों से एक साथ, 1 2 3 4 5 6। अब राइट हाथ की मुट्ठी बंद, उसके ऊपर लेफ्ट की मुट्ठी बंद, ठोड़ी लगाएं, इसमें आराम से इजी होएगा। नितंब को ताड़ित करें क्रमबद्ध, 1 2 3 4 5 6, क्रॉस, 1 2 3 4 5 6, दोनों पैरों से, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों हथेलियां जमीन पर, एक के ऊपर एक, इसी क्रिया को रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्रॉस, 1 2 3 4 5 6, दोनों पैरों से, 1 2 3। अब सुप्त मकरासन में रिलैक्स करिए, दोनों हाथ आगे, सिर ऊपर रखिए, पैरों में फासला, एड़ी अंदर की ओर, पंजा बाहर की ओर, एकदम शरीर को ढीला छोड़ दें, एकदम लूज, एकदम ढीला छोड़ें, रिलैक्स। कोबरा पोस्चर भुजंगासन के लिए तैयार, दोनों हाथों को पार्श्व भागों में 1 फीट की दूरी पर, श्वास भरते हुए आधा फीट उठिए, आधा फीट, आधा फीट, मैं कितना उठा देख लीजिए, आधा फीट, सीना पूरा नहीं उठाना, आधा फीट, सांप की तरह फुफकार करते हुए यहीं रुकना है, श्वास को छोड़ना है, छोड़ें, श्वास भरते हुए पूरे उठ जाइए, गर्दन पीछे की ओर, छत पीछे, छत को देखें, श्वास रोकें, 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अब 6 इंच की दूरी, उठे आधा फीट, यहीं रुक के श्वास छोड़ना, वापिस नीचे जाना, श्वास छोड़ें, पूरे उठ जाइए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए, गर्दन पीछे, थोड़ी देर रुकने का प्रयास, 5 के काउंट में, 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हथेलियां सीने के नीचे, श्वास भरते हुए आधा फीट उठे, आधा फीट, श्वास छोड़ें, अब कोहनी बैंड रहेगी, सीने का भाग उठाए, केवल सीने का भाग, केवल सीने का भाग उठाना, आप देखो बैक पर कितना प्रेशर आता है। बैक पेन के लिए जोरदार आसन है, महिलाओं के लिए, इंटरनल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स, सुप्त मकरासन में रिलैक्स, दोनों हाथ आगे, सिर ऊपर, दोनों पैरों में फासला, एड़ी अंदर की ओर, पंजा बाहर की ओर, रिलैक्स,
बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, श्वास मंद और शांत। दोनों हाथों पर सिर को लेटा दीजिए, आप सिर को लेटा दीजिए इस तरह, और शरीर को ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें। टोज टू हेड, लूज योर बॉडी, एकदम ढीला, रिलैक्स रिलैक्स। तैयार। अब हम करेंगे सलभासन, साइटिका पेन के लिए, स्लिप डिस्क के लिए। थोड़ी जमीन से लगी हुई, दोनों हाथ शरीर के समानांतर पीछे की ओर, श्वास भरते हुए राइट पैर को उठाएंगे, सीधा पैर उठाएं, राइट पैर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब लेफ्ट को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, दोनों हथेलियां साथल के नीचे लगाएं, पहले साथल के नीचे, थाई के नीचे दोनों हथेलियां लगा लीजिए, और स्पोर्ट देते हुए जितना उठ सके आराम से पैरों को सीधा रखते हुए उठाइए, उठाएं, पैरों को बेंड नहीं करना है, उठाएं, पैर सीधे रखें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। एक बार और साथ साथ में कर लीजिए, कोई भी जबरदस्ती ना करें, यथाशक्ति उठाएं, उठाएं एक बार और, उठाएं, उठाएं, थोड़ी देर रुकने का प्रयास, धीरे धीरे नीचे आएं और सुप्त मकरासन में रिलैक्स रिलैक्स। यार अभी सभी पीठ के बल लेट जाएं, शवासन लास्ट, पैरों में एक फीट का फासला, राइट पैर राइट साइड लेटा हुआ, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड लेटा हुआ, दोनों हाथ शरीर के समानांतर 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां छत की ओर, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद और शांत। फोकस योर माइंड ऑन नेवल, चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, ब्रीद इन पेट बाहर, ब्रीद आउट पेट भीतर, केवल श्वास को देखना है आपको, श्वास आ रहा है पेट फूल रहा है, श्वास जा रहा है पेट सिकुड़ रहा है। प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें, प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें, प्रत्येक अवयव में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। चित्त को राइट लेग के अंगूठे पर ले जाएं, अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक
एक साथ शरीर के पूरे आकार में चित्त को फैलाएं, चित्त की यात्रा करें। ऑटो सजेशन द्वारा शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। पूरा शरीर, शरीर का एक एक पार्ट, एक एक मांसपेशी, एक एक स्नायु ऑटो सजेशन द्वारा सुझाव दें शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। चित्त में वह क्षमता है, वह एक बिंदु पर भी केंद्रित हो सकता है और शरीर के पूरे आकार में एक साथ भी फैल सकता है। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। शरीर के प्रति जो ममत्व है उसे छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को भूल जाएं, आप पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। कहीं भी अकड़न न रहे, तनाव न रहे। रिलैक्स, रिलैक्स। शिथिल रिलैक्स, रिलैक्स। शिथिल शरीर का एक एक पार्ट, एक एक मांसपेशी, एक एक स्नायु शिथिल, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स होता जा रहा है। शिथिल रिलैक्स। शिथिल अनुभव करे पूरा शरीर, पैर के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक का भाग शिथिल, हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। हमारे यहाँ की नगर सेविका सुनीता जी यादव पधारिए, उनका तेरापन भवन की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। शिथिल रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर, पैर के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक का भाग शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। शरीर के कण कण में हल्केपन का अनुभव करें। शरीर के कण कण में हल्केपन का अनुभव करें और गहराई में जाएं। आज के इस शुभ दिन संकल्प करें, मैं अपनी आत्मा की साक्षी से आज के शुभ दिन यह संकल्प करता हूँ कि नियमित रूप से मैं प्रेक्षा ध्यान और योग को अपने जीवन में अपनाऊँगा। कोई कारण विशेष को छोड़कर
30 से 40 मिनट डेली प्रेक्षा ध्यान योग करने का संकल्प करता हूँ। मन ही मन दोहराए, स्वयं को पहचाने, अपने आप को पहचाने। शरीर के कण कण में हल्केपन का अनुभव करें, शांति और आनंद का अनुभव करें। चित्त को राइट लेग के अंगूठे पर ले जाएं, अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक एक साथ चित्त और प्राण की यात्रा करें, अनुभव करें। पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह होने लग गया है, विद्युत की धारा बहने लग गई है और शरीर का एक एक पार्ट एक्टिव होता जा रहा है, सक्रिय होता जा रहा है। तीन लंबे गहरे सांस लें, लंबे गहरे सांस छोड़ें। सांस के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। तीन लंबे गहरे सांस लें, लंबे गहरे सांस छोड़ें। सांस के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। हाथों की मुट्ठी बंद खोल करें, हाथों और पैरों की अंगुलियां हिलाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, घुटनों से फोल्ड करें, लेफ्ट साइड करवट लेकर धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आ जाएं। हथेलियों का सहारा लेकर बैठें आप, कोई भी आंखें न खोलें, धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आ जाएं, कोई भी आंखें न खोलें। कायोत्सर्ग से पूर्व की स्थिति और बाद की स्थिति का अवलोकन करें। कायोत्सर्ग में जो आपको एक्सपेरिमेंट हुआ उसका अनुभव करें। आप कायोत्सर्ग से लौट रहे हैं नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ, नई एनर्जी के साथ। दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित, तीन बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। भरे श्वास, भरे श्वास, दोनों हथेलियों में घर्षण तेजी के साथ करें। गरम आंखों पर हल्के स्पर्श से मालिश, हथेलियों की उष्मा आंखों तक पहुंचे। धीरे धीरे आंखें खोलें और बाह्य जगत में प्रवेश करें। सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गर यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में चार चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे शेयर करें।